हाय स्टूडेंट्स हम दीपक खजूरिया वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस स्टूडेंट्स अभी जो क्वेश्चन लेके आऊँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें दिया है हम लोगों को ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ए वन अपॉन ए टू कॉमर बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को फाइव पार्ट्स दे रखे हैं हर एक पार्ट के अंदर टू इक्वेशंस हैं तो इन टू इक्वेशंस से हम लोगों को ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू फाइन करना है और उसके बेसिस पे हम लोगों को बताना है कि जो लीनियर इक्वेशंस का पेयर हम लोगों को दे रखा है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं सपोज करिए हम लोगों के पास में दो लीनियर इक्वेशन हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो फर्स्ट इक्वेशन और दूसरी है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो राइट right, सो so अगर हम लोगों को दो इक्वेशंस दे रखी है तो हमेशा क्या फाइंड करेंगे हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालने के लिए तीनों का रेशियो यानी कि आपको फाइंड करना पड़ेगा ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ए वन अपॉन ए टू का मतलब एक्स के कोफिशंट्स का रेशियो वाई के कोफिशेंट्स का रेशियो और ये क्या है कॉन्स्टेंट टर्म्स का रेशियो ठीक है अब अगर आपके सामने सिचुएशन ऐसी आती है कि ए वन अपॉन ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू मीन्स एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो और वाई के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल नहीं है उस केस में ना आपको ना तीन रिजल्ट्स मिलते हैं फर्स्ट इसी से हम लोगों को इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता चल जाती है सो so अगर ऐसा केस हम लोगों के सामने आता है तो ग्राफिकल उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी लाइंस की वो कैसी लाइन्स होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे वन यानी कि यूनिक ठीक है और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब है कि कम से कम गिवन पेयर का एक सोल्यूशन हो तो फिर ऐसे गिवन पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर है अब देखो यहाँ पे आपने देखा ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू केस में कितने सॉल्यूशंस होते हैं वन इसका मतलब कम से कम एक होना चाहिए तो कंसिस्टेंट बोलते हैं वन है तो कैसा होगा ये कंसिस्टेंट सो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ठीक है अगर आपके सामने जो दूसरा केस निकला वो कुछ इस तरीके का निकल सकता है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू के का रेशियो वाई के का रेशियो और कॉन्स्टेंट टर्म्स का रेशियो इक्वल है आपस में तब यहां से थ्री रिजल्ट्स आपको मिलते हैं अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो फिर लाइन्स कैसी होंगी जो ड्रॉ करी जाएंगी इंसिडेंट लाइन्स नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इनफाइनाइट राइट right? अगर इन्फाइनइट सॉल्यूशन है तो फिर कैसा हुआ कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए कंसिस्टेंट बोलने के लिए तो ये भी कैसा होगा कंसिस्टेंट क्लियर है ओके okay. अब थर्ड केस जो आपके सामने आ सकता है वो हो सकता है ये दिस इज ए वन ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू ठीक है तब आपके सामने फिर से आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी पैरल राइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे नो no सोल्यूशन और जब एक होता है कम से कम सोल्यूशन तब तो क्या होता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और एक भी ना हो तो इनकंसिस्टेंट। तो ये फिर एक केस किसका होगा इनकंसिस्टेंट सो इनकन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगा अगर ये सिचुएशन मैच होती है तो ठीक है सो so अभी यही थ्री पॉइंट्स हम लोगों को माइंड में रखने हैं जब हम लोग इनमें से किसी भी पार्ट को करेंगे तो अभी हम लोग जो करेंगे फर्स्ट पार्ट करेंगे थर्ड पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे और फिफ्थ पार्ट सेकेंड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपको होमवर्क में करना है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है थ्री एक्स प्लस टू वाई अब क्या करेंगे सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो जैसी फॉर्म होती है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको ट्रांसपोज कर दें सो ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस फाइव दिस इक्वल टू जीरो दूसरी इक्वेशन क्या है टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सेवन इक्वल टू ज़ीरो तो हम लोगों को यहाँ से क्या मिलता है ए वन ए वन देखो कितना है थ्री ए वन का मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना है थ्री बी वन कितना है टू है और सी वन कितना है माइनस का फाइव ए टू निकालें तो एक्स का कोफिशियंट सेकेंड इक्वेशन में टू बी टू निकालें तो वो कितना है माइनस का थ्री और सी टू दैट इज माइनस सेवन देयरफॉर ए वन अपॉन ए टू ए वन कितना है थ्री अपॉन टू और फिर आपने निकाला बी वन अपॉन बी टू देखो बी वन कितना है टू और बी टू कितना है माइनस का थ्री और इसको माइनस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस का टू अपॉन थ्री अब आपने क्या देखा कि ए वन अपॉन ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल वैल्यू नहीं आ रही है ना तो आपको कॉन्स्टेंट टर्म्स का रेशियो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये कंडीशन मैच हो गई ना इमीडिएटली ठीक है तब आप कह सकते हैं सेंस एक्स की कोफिशेंट का रेशियो और वाई के रेशियो इक्वल नहीं है right, B2, इसलिए क्या होगा दिविन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेश पार्ट हम लोगों ने किया अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पर और इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं फाइव अपॉन थ्री वाई और सेवन को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस सेवन इक्वल टू ज़ीरो सेकेंड इक्वेशन है नाइन एक्स माइनस टेन वाई माइनस फोर्टीन इक्वल टू ज़ीरो अब देखो यहाँ पे ए वन कितना है थ्री अपॉन टू एक्स का कोफिशियंट बी वन कितना है दैट इज फाइव अपॉन थ्री और सी वन कितना है माइनस का सेवन ए टू है हम लोगों के पास नाइन और बी टू यहाँ से निकलता है माइनस का टेन और सी टू है माइनस का फोर्टीन देयरफॉर ए वन अपॉन ए टू फाइंड करें सो थ्री अपॉन टू अपॉन नाइन ठीक है सो so, कभी भी जब इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है ठीक है तो ये डिनोमिनेटर किसके साथ आएगा इस डिनोमिनेटर के साथ में आएगा तब लिखेंगे इसको थ्री अपॉन टू इन टू नाइन तो निकल के आ जाता है थ्री से चलो कैंसिल कर देते हैं तो कितना निकला वन अपॉन सिक्स सो ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू निकाली हम लोगों ने वो कितनी है वन अपॉन सिक्स अब क्या निकालें बी वन अपॉन बी टू तो देखो बी वन कितना है फाइव अपऑन थ्री अपऑन माइनस टेन क्लियर ओके सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन माइनस ही होगा फाइव और ये थ्री कहाँ जाएगा इस डिनोमिनेटर के साथ में जाएगा सो so ये है हम लोगों का टेन इंटू थ्री देखो फाइव से टू टाइम कैंसिल किया और आपने क्या फाइन किया माइनस का वन अपॉन सिक्स क्लियर है अब आपने देखा कि ई वन अपॉन ए टू की वैल्यू तो कितनी है वन अपॉन सिक्स और बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू कितनी है माइनस का वन अपॉन सिक्स तो यहीं से पता चल गया ना कि ये दोनों तो इक्वल नहीं है तो सी वन अपॉन सी टू निकालने की जरूरत ही नहीं है अब मैंशन कर देते हैं सिंस ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू देफो देर फो गिविन पेयर ऑफ लीनर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट तो ये भी कैसा है भाई कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनर इक्वेश अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट पर और फिफ्थ पार्ट में हम लोगों के पास में ये दो इक्वेश्स हैं ठीक है तो सबसे पहले तो क्या करें इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं सो दिस इज फोर अपॉन थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो और दूसरी इक्वेशन है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाता है ए वन ए वन का मतलब फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट कितना है फोर अपॉन थ्री बी वन बी वन कहता है टू और सी वन ये कितना है ओके सो दिस इज़ माइनस का एट ठीक है ए टू हम लोग निकालें तो सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट कितना है टू बी टू निकालें तो सेकेंड इक्वेशन में वाई का कोफिशियंट कितना है थ्री एंड सी टू कितना निकला हम लोगों का माइनस का ट्वेल्व therefore ओ ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू कितनी होगी फोर अपॉन थ्री अपॉन टू इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो वैसे तो अभी सीखा है बट एक चीज़ समझ लीजिए कभी भी जब इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है तो हम लोग क्या करते हैं ये भी एक फ्रैक्शन है ये भी एक फ्रैक्शन है ठीक है, है सो ये डिनोमिनेटर जाता है इस न्यूमिनेटर के साथ में राइट और ये डिनोमिनेटर आता है इसके न्यूमिनेटर के साथ में तब इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं ए इंटू डी अप b बी इन टू सी जब ये मिसिंग है तो चलिए तो हटा दीजिए फिर टी नहीं रहा उसके इसमें क्या होगा सिर्फ बी जाएगा किसके साथ में इस डिनोमिनेटर के साथ में ठीक है सो यही रूल हम लोग लगा रहे हैं क्योंकि इसका तो डिनोमिनेटर नहीं है ना तो ये डिनोमिनेटर किसके साथ जाएगा इस नियोमिनेटर के साथ में जाएगा तो इसको लिखेंगे फोर अपॉन थ्री इंटू टू देखो टू से टू टाइम कैंसिल किया हम लोगों ने तो कितना है टू अपॉन थ्री सो ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू कितनी है टू अपॉन थ्री बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू निकालें तो ये कितना है टू अपॉन थ्री ओके अब हम लोग क्या फाइंड करें सी वन अपॉन सी टू तो देखो सी वन कितना है माइनस का एट अपॉन माइनस का 12, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया फोर से कैंसिल करें टू टाइम फोर से कैंसिल करें थ्री टाइम सो ये भी कितना निकला टू अपॉन थ्री तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू टू अपॉन थ्री बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू भी कितनी है टू अपॉन थ्री और सी वन अपॉन सी टू की वैल्यू भी कितनी है टू अपॉन थ्री तो मैंशन कर देते हैं सेंस ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू और जरा चेक करिए किसका केस था ए वन अपॉन ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू राइट तो कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा देखो कितने सोल्यूशन होते हैं इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते है ना ठीक है therefore the given pair of linear equations is consistent तो ये भी हम लोगों किस का किसका केस है consistent pair of linear equations का केस है ठीक है सो उम्मीद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और बाकी के जो दो पार्ट्स बचे हुए हैं वो आप खुद से कर पाएंगे सो so, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट पर चले जाइए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में चिल्द्रेन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो